इसीलिए कहती थी इसे देर रात तक घर से बाहर रहने की इजाजत मत दे। अब भुगतो। माँ प्लीज। बस प्लीज और सॉरी बोलते रहो और अपनी मनमानियां करते रहो। अरे बुजुर्गों की बात मानते कहाँ हो तुम लोग? शुक्र कर घर जिंदा वापस आई है। पता है ना कई लड़कियां गायब भी हो जाती हैं या फिर उनकी लाशें घर वापस आती हैं। मिट्टी पाओ ना इस सब पर और खत्म करो इस मसले को। मुझे पुलिस कंप्लेन करनी है। देखो पायल, मुझे नहीं लगता कि हमें कंप्लेन करनी चाहिए। देखो कोई गारंटी तो नहीं है ना कि आदमी पकड़ा जाए और फिर सजा तो हमें ही मिलेगी। लोगों से नजर नहीं मिला पाएंगे हम। क्या ज्यादा जरूरी है लोगों से नजरें मिलाना या उस रेपिस्ट का पकड़े जाना? देख पायल बेटा, इस बात को यही दबा देते हैं। देख यही बेहतर होगा हमारे परिवार के लिए। परिवार में मैं भी हूं माँ। जिंदा छोड़ रहे हूं ये सब याद रखना। पुलिस के पास गई ना, मुझे पता तू नहीं जाएगी। तुमसे पहले साथ नहीं गई, तुम्हारी इज्जत तो गई। रह चोरी, इज्जत बचा सकती अपने परिवार की तो बचा ले। मॉर्निंग खड़ूस। खड़ूस तो तुम उन पतियों में से नहीं जो अपनी मैरिज एनिवर्सरी भूल जाते हैं। ऑफ कोर्स नॉट। इनफैक्ट मैं उन पतियों में से हूं जो एनिवर्सरी के एक हफ्ते पहले अपनी बीवी के लिए गिफ्ट खरीद। क्या है? ओपन एंड सी। आईफोन। यस। तुम्हें कैसे पता मुझे आईफोन चाहिए? हेलो, तुम्हारा हस्बैंड हूं, पता होगा ना तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैंने कैसे लगा तुम्हें शादी के एक साल बाद? हाँ, डिसीजन सही था या गलत? पूरा एक हफ्ता लगाया था तुम्हें हाँ कहने के लिए। यू नो व्हाट, जब मैंने शादी के लिए हाँ की थी ना तब तुम मुझे इतने पसंद नहीं थे। ओ हेलो, तो फिर हाँ क्यों कहा? यू नो मेरा स्वेटर वापस मेरा क्योंकि सब लोगों को तुम बहुत पसंद है तो मुझे लगा इतने भी बुरे नहीं हो। ओहो, अच्छा अच्छा, मतलब जैसे चीजें जब डिस्काउंट पर होते हैं तो हम खरीद लेते हैं, तो तुमने शादी के लिए भी ऐसी डिसीजन ले लिया। वेरी नाइस। हाँ सही पकड़े हैं। जबरदस्त गिफ्ट दे रही हो तुम मुझे हाँ एनिवर्सरी के दिन पर। लेकिन फिर मुझे तुमसे प्यार हो गया।
पता है सुहाग, रात पर जब तुमने कहा कि आज की रात हम सिर्फ बातें करेंगे, लड़कियों के लिए कितना डिफिकल्ट होता है सुहाग रात पर एक अजनबी लड़के के साथ जिसके साथ कोई मेंटल कनेक्शन भी ना हो। थैंक यू। वेलकम। हेलो, क्या हुआ? सो यू आर गोना जॉइन ना? इतना सब होने के बाद भी घर से बाहर जाने की तमन्ना पूरी नहीं हुई क्या तुम्हारी? मुझे तो लगा था कि तुम जॉब छोड़ दोगी। जो कुछ भी हुआ वो मेरी जॉब की वजह से नहीं हुआ, और जो औरतें जॉब नहीं करती हैं उनके साथ भी होता है। सुधीर, तेनु रोकदा क्यों नहीं? मैं जाना चाहती तो जान दे। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता तो? मेरे साथ ऐसा कुछ कभी नहीं होता। देर रात घर से बाहर रहने के संस्कार नहीं है हमारे। तू तो बस चुप ही रह। तुझे मना किया था ना कि इसे इतनी ढील मत दे, देख लिया नतीजा। I just can't believe you are a post graduate with a gold medal. For my darling. Thank you. Cheers. हाँ, वैसे सुधीर कैसा? सही है, ज्यादा बात नहीं करता। पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। कभी तो कडल करके कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और कभी छूने से भी कतराता है। I totally understand यार, ये सब उसके लिए भी इतना आसान नहीं है। I think वो तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा है कि तुम क्या चाहती हो। शायद मैं क्या चाहती हूँ? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा ये ऑफिस फिर से ज्वाइन करने का डिसीजन, सुधीर हैप्पी? उसी ने सजेस्ट किया। ओ यार, कह रहा था जितनी जल्दी नॉर्मल लाइफ जीने लगेंगे उतनी ही जल्दी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। बुरा मत मानो, बट आई जस्ट वांट टेल यू, सारे टेस्ट करवा लो, आई मीन एसटीडी वगैरह। करा लिए। उस समय मेरे पीरियड्स चल रहे थे, उस हालत में मेरा रेप हो जाना मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्निटी, उस रात सब खत्म हो गया। सुधीर का मैसेज है। What's happening? Now? Surprise. और मैंने माँ को भेज दिया। मुझे लगा कि हमारा चेहरा देख के ना रोज बोर होती होगी। So, कैसे लग रहे? बहुत खूबसूरत।
तुमसे ज्यादा नहीं। तुम अभी भी मुझे छूना चाहते हो? या कि तुम्हें क्या हो गया? I know you've gone through hell, और मेरा यकीन मानो तुम्हें तुम्हें उस हालत में देखना मेरे लिए आसान नहीं था। But I knew I had to give you time and space. अगर मैं इतनी जल्दी तुम्हारे करीब आता तो तुम्हें शायद वो सब फिर से याद आता रहे। मुझे लगा कि क्या कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, ओके? और तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा। You and I are going to be together now and forever. I need your support to get through this. मुझे बहुत डर लगता है। सच बताऊं? मुझे भी डर लगता है। और अंदर इतना गुस्सा है ना। मैं जानता हूं कि जो कुछ भी हुआ तुमने अकेले डील किया, राइट? पर जानते हो कुछ दिनों से ना जो भी ये महसूस हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई आई फील लाइक इट हैपेंड टू मी टू। तो पुलिस में कंप्लेन करना चाहती हो, राइट? मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। सिर्फ पुलिस कंप्लेन करने से कुछ भी नहीं बदलेगा। ना जाने हम जैसे कितने और कपल्स होंगे जो सोसाइटी के डर से घर में चुपचाप बैठे हैं। लेकिन लेकिन हमें इसे बदलने के लिए कुछ करना चाहिए। क्या? सोशल मीडिया। लेट्स शेयर आवर एक्सपीरियंस ऑन सोशल मीडिया। हमारे आगे आने से अगर उसमें और भी लोग जुड़ते हैं तो एक मूवमेंट हो सकती है। एंड मे बी people stop feeling ashamed of what they went through. You know what we can do? हम लोग एक वेब पेज बनाते हैं, okay? And we'll call it Me Too. #Me Too. #Me Too.